दोस्तों आज के वीडियो में हम सैलरी स्लिप के बारे में जानेंगे कि एग्जैक्टली सैलरी स्लिप क्या है, किस तरह से होती है, यानी इस प्रोफाइल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपकी सैलरी स्लिप किस तरह से होगी। जो बेसिक आइडिया है सैलरी स्लिप को लेके, वो आइडिया आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो सारे टॉपिक्स इसमें एक्सप्लेन हो जाएंगे ताकि आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मिले, यही हमारी कोशिश रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब कभी भी आप कोई भी सैलरी स्लिप देखेंगे इस फील्ड के लिए गाइस, तो आपको दो सेक्शंस में मैं समझा देता हूँ। फर्स्ट सेक्शंस होता है जहाँ पे आपको खुद की और कंपनी के जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे आपका नाम क्या है, आपका बैंक डिटेल्स क्या है, उसके बाद आपका UAN या फिर PF नंबर क्या होता है, आपका डेजिग्नेशंस क्या है, आपका ग्रेड क्या है कंपनी में, किस ग्रेड पे आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो, किस पोजीशंस पे जॉब कर रहे हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपका सैलरी डेट क्या है, यानी किस महीने की ये सैलरी स्लिप है, और आपका डेट ऑफ जॉइनिंग्स क्या है। तो ये जो सारी डिटेल्स है, ये सारी डिटेल्स आपको सैलरी स्लिप के जो फर्स्ट सेक्शंस कहा जाता है उस सेक्शंस में मिल जाएंगे। और दूसरी जो डिटेल्स कहते हैं यहाँ पे कि एक्चुअल सैलरी की डिटेल्स, वो दूसरे सेक्शंस में एक्सप्लेन होती है। जैसे मैं सेक्शन 2 ओपन करता हूँ, तो सेक्शन 2 ओपन करने के बाद मुझे क्या क्या दिखाई देता है गाइस। यहाँ पे सेक्शन 2 ओपन करने के बाद मुझे चार एक सेक्शंस में इसको मैंने डिवाइड किया। फर्स्ट अर्निंग होती है, इसका अमाउंट क्या है, डिडक्शंस होता है, उसका अमाउंट क्या है। तो अर्निंग में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, जैसे कंपनी की जो अर्निंग होती है उसको बेसिक्स में गिना जाता है कि आपका बेसिक्स कितना है, तो बेसिक्स यहाँ पे लिखा है। उसके बाद अलाउंसेस, यानी अलाउंसेस क्यों गाइस, क्योंकि बेसिक्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मुझे 20,000 सैलरी है तो मेरा बेसिक 10, तो मेरे अलाउंसेस 10 ऐड हो जाएंगे, तो मेरा इन हैंड 20,000 मुझे मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको जो बेसिक्स पे जो टैक्स लगता है वो टैक्स कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। XYZ ये पार्ट होता है CA या फिर फाइनेंस टीम का। तो आपकी सैलरी और बेसिक्स अलग अलग किए जाते हैं, तो इसका बेनिफिट्स होता है और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं कि आप अगर क्रेडिट कार्ड या फिर किसी कंपनी के ऑफर को अप्लाई करेंगे तो आपको बेसिक्स पे उनके ऑफर मिलते हैं, ना कि अलाउंसेस पे। तो यहाँ पे आपको उसका बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, लेकिन इस कंपनी अगर ऐसा करती है तो ये कंपनी का फॉल्ट। तो गाइज यहाँ पे दो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करके बताई। सेकंड सेक्शंस में बेसिक, यानी फर्स्ट सेक्शंस में बेसिक्स है, अलाउंसेस है, अदर अलाउंसेस, कंपनी अगर कुछ ट्रैवलिंग या फिर कुछ लिविंग अलाउंसेस देना चाहती है, होम रेंटल अलाउंसेस, तो अलाउंसेस भी वहाँ पे ऐड कर सकती है। और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस, जैसे कंपनी दिवाली बोनस, कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करना चाहती है तो दे सकती है। HRA और बोनस भी होता है जो डिपेंड करता है कंपनी पे। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट सेक्शंस में। सेकंड में डिडक्शंस होता है, जिसमें आपका PF कटता है, टैक्स कटता है, और उसके बाद कुछ अदर डिडक्शंस होता है जो कंपनी डिसाइड करती है। तो जो आपकी इनहैंड सैलरी बोली जाती है, वो सैलरी किस तरह से डिफाइन होती है, तो आपका जो टोटल सैलरी है, टोटल अर्निंग अमाउंट है, उस अमाउंट को हम डिडक्ट कर लेते हैं विद हेल्प ऑफ टोटल डिडक्शन। सो टोटल अर्निंग माइनस डिडक्शंस इक्वल टू आपकी जो इनहैंड सैलरी है इस पोजिशंस के लिए, वो सैलरी वहाँ पे कैलकुलेट की जाती है। तो इतना आसान है खुद की सैलरी को आइडेंटिफाई करना। तो ये फ्रेशर्स के लिए वीडियो बना है, कोई रॉकेट नहीं, साइंस नहीं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, सिंपल सी बातें, सादी बातें एक्सप्लेन किए ताकि आपको आसानी से इसके बारे में पता चले, क्योंकि मुझे इसको समझने के लिए खुद की सैलरी स्लिप आने की ज़रूरत पड़ी था। कि आज ज़रूरत क्या है ना, जब आप इंटरव्यू दे रहे तब आपको सैलरी के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप नेगोशिएशन का वर्ड को इस्तेमाल कर सकते सही तरीके से गाइस। सो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में कहना ना भूले, और फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल को देख रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।